हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। इंडिया में मुगल आर्किटेक्चर कैसे फ्लरिश हुआ, कैसे डेवलप हुआ और क्या मुगल आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चरल फीचर्स थे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता होगा शायद कि जो कुतुब मीनार है वो भी मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है। ऐसा नहीं है। जो कुतुब मीनार है वो एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है, एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है। वो एक मुस्लिम किंग ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो एक मुगल स्ट्रक्चर नहीं है, वो मुगल आर्किटेक्चर के तहत नहीं बनाया गया है। वो मुगल आर्किटेक्चर से तो बहुत पहले बनाया गया था। जब दिल्ली में 5 सल्तनत थे तो सबसे पहली सल्तनत जो स्लेव डायनेस्टी थी उस ड्यूरेशन में वो सबसे पहला इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो वो एक वन ऑफ द अर्लीस्ट इस्लामिक स्ट्रक्चर है इंडिया में, लेकिन वो मुगल स्ट्रक्चर नहीं है। तो कुछ लोग शायद इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो कुतुब मीनार है मुगल स्ट्रक्चर है। कुतुब मीनार एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, ना कि एक मुगल स्ट्रक्चर है। तो ये चीज क्लियर हो गई, तो आगे डिस्कस करते हैं मुगल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मुगल्स हैं, सबको पता है कि ये मुगल फैमिली है, बाबर से स्टार्ट हुआ था और लास्ट औरंगजेब तक चला था। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनियंट रहे थे आर्किटेक्चर के पर्पस से वो अकबर था और एक शाहजहां। ये तो मुगल इन दो रूलर्स ने जितना टाइम आर्किटेक्चरल के लिए डिवोट किया, बाकी के रूलर्स नहीं कर पाए इतना, क्योंकि उनके अलग अलग कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थी जैसे जैसे वो नहीं कर पाए। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस रूलर ने क्या क्या स्ट्रक्चर्स डेवलप करे। तो स्टार्ट करते हैं बाबर के साथ। तो बाबर से डिस्कस करने से पहले कुछ एक मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स जो थे, जो मुगल मुगल स्ट्रक्चर्स में जनरली देखने को मिलता है, वो मैं कुछ मैंने पॉइंट आउट कर रखे हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि वो है जो मुगल स्ट्रक्चर है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे है, क्योंकि मुगल एक मुस्लिम रूलर थे और मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया पे इन्वेड किया था पर्शियन साइड से। पर्शियन आज का जो ईरान, इराक और टर्किश वाला जो एरिया है वो पर्शियन एरिया था, तो वहां से इन्वेड किया था। लेकिन क्योंकि इंडियन सॉइल पे स्ट्रक्चर बनाया, तो एक इस्लामिक जो कि वेस्टर्न साइड से इस्लामिक आर्किटेक्चर आया था इंडियन सॉइल पे था, तो दोनों एक मिक्स आर्किटेक्चर बन के एक नया फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगल में ही देखने को मिलता है हमें। मुगल से पहले जो लोधी डायनेस्टी थे और लोधी डायनेस्टी से पहले भी ये देखने को मिलता है। तो एक्चुअली लोधी डायनेस्टी के टाइम से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उन्होंने स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो मेन मेन स्ट्रीम में जो आया वो मुगल आर्किटेक्चर के साथ ही मिल के आया। मुगल आर्किटेक्चर ने 16th-17th सेंचुरी में ज़्यादा फ्लरिश किए थे वो इंडिया में। तो उनका जो मेन आर्किटेक्चरल फीचर है वो था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे, उनकी बिल्डिंग जनरली बेस रहती है। और इनके बिल्डिंग्स में हमें जो देखने को मिलेगा वो एक देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिकल पैटर्न। अगर मैं कोई सा भी एक स्ट्रक्चर ले, जैसे ताजमहल आपने जनरली देखा ही होगा, तो ताजमहल एक बहुत ही यूनिफॉर्म और बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिकल भी बहुत ज़्यादा बैलेंस स्ट्रक्चर है। तो इनके स्ट्रक्चर्स में ये एक नोटेबल पॉइंट था कि बहुत ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रक्चरली तो बैलेंस रहते ही हैं, लेकिन जो सिमेट्रिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस रहते हैं। इनके फॉर्म बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और जो इनका मेन, अब किसी भी मुगल बिल्डिंग्स को अगर देखोगे तो वो एक गार्डन्स रहता है उनके, मुगल मुगल गार्डन कहते हैं उन्हें। तो मुगल गार्डन के सेंटर में वो बिल्डिंग प्लेस रहती है, तो उनके में साइड में मुगल गार्डन्स भी रहते हैं। साथ ही में जो मेजर आपको किसी भी मुगल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा मार्बल और रेड सैंडस्टोन। जैसे कि ये मार्बल और रेड सैंडस्टोन का वहां पे ज्यादा वर्क देखने को मिलता है किसी भी मुगल बिल्डिंग में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ में जालीस का भी यूज देखने को मिलेगा, जो जाली हेक्सागोनल जाली, राउंड जाली है, ये देखने को मिलता है जालीस का यूज। साथ ही साथ लार्ज कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड क्या, जो साइड में बरामदा जो रहते हैं उनके, तो एक बहुत ही ज्यादा पिलर्ड होल जो है जनरली किसी भी बिल्डिंग में देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये सारे उसमें फीचर्स में है, कह सकते हैं कि मुगल फीचर्स है। साथ ही जो एक और जो
आपको फीचर देखने को मिलेगा, वो दिख रहे हैं अरेबिक कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शंस उनकी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो कुरानिक वर्सेस रहती हैं वो सारे वो इंस्क्रिप्ट करवा के करवाते थे अपने बिल्डिंग्स में। ये हालांकि नॉन मुगल आर्किटेक्चर जैसे कि डायनेस्टी जो थी दिल्ली में 5, उनकी स्ट्रक्चर्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ज्यादातर हमें जो देखने को मिलेंगी सारी चीजें वो मुगल बिल्डिंग में देखने को मिलेंगी। हालांकि कुतुब मीनार भी एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है लेकिन वो मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, उसमें भी हमें अरेबिक कुरान इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है लेकिन ये मुगल्स में ज़्यादा, मुगल बिल्डिंग्स में ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा स्पॉटलाइट में आई थी कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं। और एक डोम्स का जो एक मैच्योर एवॉल्व डोम्स का जो सीन देखने को मिलता है वो भी मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। बेसिकली मुगल आर्किटेक्चर क्या है कि जब जो वेस्टर्न साइड का इस्लामिक आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर दिया, तो जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर हैं जो फॉर्म्स हैं वो काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलती है हमें, बहुत ज़्यादा सुंदर सिमेट्रिकल पैटर्न्स में देखने को मिलती है, स्ट्रक्चरली पैटर्न्स में देखने को मिलती है, एक मैच्योर मैच्योर फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है मुगल आर्किटेक्चर में। तो ये एक तरह से इस चीज़ को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर इवॉल्व हो गया और जो उसका लास्ट में जो हमें मैच्योर फॉर्म देखने को मिलता है वो मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। तो बेसिकली सारा होल पॉइंट यही है कि मुगल आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्किटेक्चर लास्ट रहा, इसके बाद कोई भी ऐसा इंडिया पे किसी रूलर ने रूल नहीं किया, फिर ब्रिटिश रूल रहा इंडिया में, तो ज़्यादा आर्किटेक्चर का फीचर्स देखने को नहीं मिले इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो लास्ट कह सकते हैं वन ऑफ द लास्ट इस्लामिक आर्किटेक्चर रहा इंडिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप आर्किटेक्चर था ये। ऊपर इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर डेकोरेटिव छतरी यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस स्ट्रक्चर में कौन कौन से आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरव्यू पूरे मुगल आर्किटेक्चर का यही है। ये 4-5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक एक पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि कैसे इस मुगल आर्किटेक्चर में क्या मेन की फीचर्स थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर मुगल मुगल डायनेस्टी का सबसे पहला किंग था, उसने पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था और इब्राहिम लोदी को हरा के इंडिया में मुगल डायनेस्टी का स्थापित किया था। हालांकि क्योंकि एक फर्स्ट रूलर था मुगल डायनेस्टी का तो ये ज़्यादा कुछ आर्किटेक्चरल पर्पज से कुछ कर नहीं पाया, इसने अपना अपने जो पीरियड का ज़्यादातर टाइम है वो अपनी अपने ही रूल को अपनी डायनेस्टी को स्टेबल करने में लगाया, क्योंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई नया रूलर अभी अभी एक पुराने जो डायनेस्टी रूलर है उसको डिफीट करके आया है तो सबसे पहले उसको अपना किंगडम को स्टेबल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल मैटर सॉर्टेड करने पड़ेंगे। तो ऐसा जो उसने कुछ बहुत ज़्यादा रिमार्केबल वर्क नहीं किया आर्किटेक्चरल चीज़ की वजह से, जिसकी कुछ बिल्डिंग्स रहे जो रिमार्केबल याद रहे, लेकिन फिर भी उसने एक जो नोटेबल इनकी बिल्डिंग रही थी वो रही थी काबुली मस्जिद, जो कि काबुली मॉस्क है पानीपत में, क्योंकि उन्होंने पानीपत से ही स्टार्ट किया था। तो एक ही ये आर्किटेक्चर फीचर्स में इनका जो मेन बिल्डिंग कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ दी फेमस बिल्डिंग जो कि बाबर के पीरियड में बनाई थी वो काबुली मस्जिद था, ये आज भी रुइंड है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी। तो नेक्स्ट बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं सेकंड रूलर रहे मुगल पीरियड के, मुगल डायनेस्टी में, लेकिन इनके रूल करते के साथ ही शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया, तो जो मुगल पीरियड था यहाँ पे एक इंटरप्शन आता है बीच में करीब 15 साल का, तो इस वजह से यहाँ पर भी मुगल जो पीरियड है वो डिस्टर्ब हो गया, और फिर अगर कोई क्लियर पर्पस या फिर क्लियर आर्किटेक्चरल के लिए कोई भी चीज़ें नहीं हो पाई, फिर वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही मुगल डायनेस्टीज़ में, तो इस वजह से भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिमार्केबल स्ट्रक्चर हुमायूं के पीरियड में भी नहीं बन पाए थे। लेकिन हुमायूं का सन अकबर, अकबर के टाइम पे, अब नेक्स्ट अकबर की ही बात करेंगे, तो ये अकबर है, अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल का एवोल्यूशन हुआ पूरे मुगल पीरियड में। सबसे ज़्यादा आप
दो ही एक रूलर हैं जो मुगल में, एक शाहजहां और अकबर। अभी जहां पर भी इंडिया में जितने भी स्ट्रक्चर हैं मुगल स्ट्रक्चर, ज्यादातर स्ट्रक्चर अकबर के और शाहजहां द्वारा ही बनाए गए स्ट्रक्चर होंगे। तो इनके टाइम में काफी चीजें इवोल्यूशन हुई, काफी पॉलिटिकल, इनका जो पूरा टाइम था पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्टेबल था, तो पॉलिटिकली उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने पॉलिटिकल मैटर्स पे, इसी वजह से और ज्यादा आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चरल, मेन यहाँ पे आर्किटेक्चरल की बात करेंगे तो उन्होंने आर्किटेक्चरल पे भी ध्यान दिया। क्योंकि इनका जो इनका पीरियड था, जो रूलिंग टाइम था, और काफी बड़ा था, तो इस वजह से इनके पास जो ट्रेजरी थी वो भी ज्यादा थी, तो एक रिच आर्किटेक्चर फॉर्म हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पैसे की तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। खैर, तो हमें एक रिच आर्किटेक्चर देखने को मिलता है अकबर के टाइम में। तो कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे अकबर के टाइम की। सबसे पहले है हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम हुमायूं का टॉम थी, क्लियर है ये तो, लेकिन ये अकबर के पीरियड में बनी थी। जब अकबर ने रूल स्टार्ट कर दिया था तब उस पीरियड में बनी थी, तो इसे कह सकते हैं कि अकबर के पीरियड में बनी हुई है पहला मुगल रिमार्केबल स्ट्रक्चर है। तो दिस वॉज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग नोटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। इसको पहली मुगल बिल्डिंग हम कह सकते हैं जो कि इंडिया में कंस्ट्रक्टेड हुई थी, पहली मुगल बिल्डिंग। इस्लामिक बिल्डिंग बन चुकी हैं लेकिन ये पहली मुगल बिल्डिंग है। इसका एक और सेकंड जो की पॉइंट है, क्यों इस चीज को ये फेमस क्या चीज है ये फेमस बनाती है, ये पहला ऐसा टॉम है जो कि गार्डन बेस है। गार्डन बेस क्या है मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट इमेज में। ये मुगल हुमायूं टॉम है, मुगल बिल्डिंग है, इसके साइड में गार्डन देखने को मिलेंगे। ऐसा किसी और स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर से पहला किसी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलता। तो ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक गार्डन के बीच में है, गार्डन, मुगल गार्डन। मुगल के गार्डन्स भी बहुत फेमस है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मुगल गार्डन्स के बीच में बना हुआ है, बेसिकली साइड में इसके गार्डन्स हैं, टॉम का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से भी ये एक नोटेड पॉइंट है, की पॉइंट है इस बिल्डिंग का, जो इस चीज़ को एक खास बनाता है। तो हुमायूं टॉम एक्चुअली अकबर ने ना बनवा के, हुमायूं की वाइफ हाजी बेगम ने बनवाया था, लेकिन ये अकबर के पीरियड में बना था। तो हाजी बेगम ने हुमायूं टॉम को कंस्ट्रक्ट करवाया था हुमायूं के डेथ के 8 साल बाद ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसके आर्किटेक्ट थे मिर्जा गियास, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इस बिल्डिंग्स के जो भी एक आर्किटेक्चरल की पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक यूनिफॉर्म बिल्डिंग है और ये एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, किसी भी डायरेक्शन से देखने को मिलता है तो ये सेम डिजाइन देखने को मिलेगी चारों डायरेक्शन से। ये एक स्क्वायर प्लान पर पूरी बिल्डिंग है, ये इसका बिल्डिंग का प्लान है, और ये चारों ही डायरेक्शन से सेम बिल्डिंग को देखने को मिलती है। ये एक बिल्डिंग 22 फीट के प्लेटफॉर्म पर राइज है। ये जो प्लेटफॉर्म की हाइट है 22 फीट है, और इस प्लेटफॉर्म को राइज करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को क्लाइंब करने के लिए चारों चारों ही डायरेक्शन में स्टेयर केस है। ये स्टेयर केस का सेक्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चारों ही डायरेक्शन में स्टेयर केस प्रोवाइड करी गई है इस प्लेटफॉर्म को राइज करने के लिए। स्क्वायर प्लान में होके यहाँ पे जो सेंट्रल रूम है वो हेक्सागोनल रूम है। ये मेन जो रूम है ये हुमायूं की टॉम यहाँ पे सिचुएटेड है। साइड में यहाँ पर चार और हेक्सागोनल रूम देखने को मिलते हैं, और ये चारों हेक्सागोनल रूम आपस में एक डायगोनली पैसेज वे के थ्रू कनेक्टेड है। ये इस टाइप से थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स पैसेज वे है चारों रूम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये डायगोनली कनेक्टेड हैं चारों रूम। और यहाँ पे भी इनके टॉम सिचुएटेड हैं जो इनके मंत्रीज हुआ करते हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज मिनिस्टर हैं, उनकी टॉम यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि जो ये मेन हुमायूं की टॉम है वो यहाँ पे सेंट्रल वाले रूम में देखने को मिलती है, और इस रूम्स में ज़्यादातर जो इनकी जो वॉल्स हैं वहाँ पर हमें जाली का वर्क देखने को मिलता है। ये एक रूम है इनका मेन रूम, यहाँ पे ये हुमायूं की टॉम सिचुएटेड है, और साइड में आर्चीज प्रोवाइडेड की गई है वॉल्स में, और यहाँ पे लाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए जाली का यूज किया है। तो यहीं पे आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिले कि जाली का भी यूज है, आर्चीज का भी यूज है, इस्लामिक कैलीग्राफी का भी यूज है, और अगर मटेरियल की बात करें तो रेड सैंडस्टोन का यूज किया है, और मार्बल, वाइट मार्बल यूज किया है डोम में।
सेंट्रली एक डोम है लेकिन साइड में चार छोटे छोटे डोम्स हैं, इसको छतरी कहते हैं, डोम्स नहीं कहेंगे इसे छतरी कहेंगे। तो ये सेंटर इस एलिवेशन में देखना, तो ये सेंटर जो ये मेन डोम है, ये गुंबद है मेन डोम, और साइड में ये छतरी है, ये चार छतरी प्रोवाइड करी गई हैं। तो ये इस पूरे स्ट्रक्चरली को एक बैलेंस फॉर्म करती हैं, ये पूरे मेन छतरी को या मेन डोम को ये छोटी छोटी चार छतरी बैलेंस करती हैं। तो ये इनकी फीचर है मुगल आर्किटेक्चर का, पूरा बैलेंस है, पूरा सिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये वर्टिकल पूरा एकदम सिमेट्रिकल है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। तो ये फीचर है इस हिमालय टॉम्स का। नेक्स्ट इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे कि 22 फिट का इसका राइज्ड प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जो डिस्कस है 22 फिट का है। इसके बाद 156 फीट का जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 156 फीट है, और स्क्वायर प्लेटफॉर्म है तो दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी 156 फीट की ही लेंथ है दोनों तरफ, क्योंकि स्क्वायर प्लेटफॉर्म है देखने मिलेगा। ऑल फोर साइड आर लाइक इन एलिवेशन, चारों साइड एलिवेशन में एकदम सेम है। और मुगल मुगल बिल्डिंग्स में या फिर ये कहें इस्लामिक बिल्डिंग में वेस्टर्न साइड को ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। मैंने ये चीज अपनी पुरानी वीडियो में भी बताई थी कि ऐसा क्यों होता है कि वेस्टर्न साइड को ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो वेस्ट में सऊदी अरेबिया में मक्का है, तो मक्का के डायरेक्शन की तरफ ज्यादा इस्लामिक बिल्डिंग एम्फोसाइज रखते हैं मुगल्स, मुगल्स नहीं कोई भी मतलब इस्लामिक रूलर, तो वो वेस्टर्न साइड में बिल्डिंग्स को ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, चारों ही डायरेक्शन से हिमायू टॉम्स एकदम सेम एलिवेशन में देखने को मिलता है। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट है इस बिल्डिंग का, कि ये एक मुगल गार्डन पर बेस्ड है। मुगल गार्डन क्या है, इस ये एक पूरा साइट प्लान है वहाँ का, ये पूरा एक स्क्वायर मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन को चार बाग कॉन्सेप्ट में नोट किया जाता है, मुगल गार्डन को चार बाग कॉन्सेप्ट में नोट किया जाता है। चार बाग कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये पूरा एक स्क्वायर, सबसे पहले स्टार्टिंग में एक स्क्वायर गार्डन लेते हैं, और स्क्वायर गार्डन के बीच में कोई सा भी मुगल बिल्डिंग को प्लेस करते हैं। इस केस में ये हिमायू टॉम्स की बिल्डिंग है, यहाँ पे सेंट्रली यही हिमायू टॉम्स है, और जो पूरा मुगल गार्डन है उसको हर साइड के सेंटर से कनेक्ट करते हैं पैसेज वेज के साथ, यानी कि पूरे मुगल गार्डन को चार छोटे छोटे मुगल गार्डन में डिवाइड कर दिया। गार्डन को हिंदी में बाग कहते हैं, और एक बड़े बाग को चार छोटे छोटे बागों में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया चार बाग। तो इसीलिए इसको चार बाग कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी कि चार बाग पद्धति एक पूरे कंप्लीट गार्डन में डिवाइड करके पैसेज वेज, यहाँ पे पाथवेज आते हैं, यहाँ पे लोग चल सकते हैं, मुगल्स चल सकते हैं, मुगल्स क्या आज के टाइम में लोग चल सकते हैं, यहाँ पे पाथवेज हैं गार्डन में। तो ये पाथवेज पूरे मेन गार्डन को चार छोटे छोटे गार्डन में डिवाइड करते हैं। इवन फर्दर ये चार चार चारों गार्डन जो हैं इनको और छोटे 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 पाथवेज और ज़्यादा फर्दर डील डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल ये गार्डन पूरा पाथवे से डिवाइडेड रहता है, और जो बीच में ये जो पोर्शन बचते हैं ये पोर्शंस रहते हैं ग्रीन एरिया, यहाँ पे गार्डन उगाते हैं। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है गार्डन का, ये मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, और मुगल आर्किटेक्चर में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा की पॉइंट है, इसको मिस नहीं कर सकते हैं हम कहीं किसी बिल्डिंग का। अगर पॉइंट आउट करें उनकी आर्किटेक्चरल फीचर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमें एग्जाम में भी लिखना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि ये क्या है। तो एक चार बाग कॉन्सेप्ट में ऐसे मुगल गार्डन्स होते हैं। अब मुगल गार्डन से अगर आगे बात करें, तो इसमें बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और ये पूरा 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 जो बिल्डिंग है इसको बाउंड्री वॉल से इनक्लोज रहती है, ये पूरे साइड में बाउंड्री वॉल है, और बाउंड्री वॉल रहने के बाद यहाँ पर ये एंट्रेंस गेट होते हैं, ये चार एंट्रेंस गेट है, चारों डायरेक्शन में एंट्रेंस गेट है। हालांकि इस केस में हिमायू टॉम्स के एंट्रेंस गेट में ये वेस्टर्न एंट्रेंस गेट है, तो ये वाला जो वेस्टर्न एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे नॉर्थ हो सकता है, तो वेस्टर्न एंट्रेंस गेट थोड़ा सा इनका मेन एंट्रेंस गेट है, क्योंकि वेस्ट साइड में है, तो जो
कॉमन पीपल से, यहाँ से पहले के टाइम में जब जो आम लोग थे, जो नॉर्मल कॉमन पीपल पीपल्स थे, वो वेस्टर्न साइड गेट से एंटर नहीं कर सकते। ये वेस्टर्न सिर्फ रॉयल एंट्री के लिए रहता है। आगे बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखने को मिलेगा जो रॉयल एंट्री है उनके लिए एक अलग गेट है, और जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उसको बिल्डिंग में एंटर करना है तो उसके लिए एक अलग गेट वेज बनाए जाते हैं। तो जो वेस्टर्न साइड का जो गेटवे है थोड़ा इनलार्ज करते हैं, बड़ा ज़्यादा ज़्यादा डेकोरेटिव रखते हैं, तो क्योंकि ये रॉयल एंट्री के लिए जो किंग्स हैं और किंग्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ इसी गेट से एंटर करेंगे। तो ये तो हुई हिमायू टॉम्स की बात। इसमें बहुत सारे और ज़्यादा की पॉइंट है, मैंने इस पूरी यहाँ पे लिख पॉइंट आउट कर दिए हैं, और मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं कि डिटेल में क्या है इसमें। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें हैं, तो इसको वीडियो पे समझाने पे वीडियो बहुत थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। और ओवरऑल व्यू तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सेकेंडली, एक डबल डोम का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक डबल डोम एक सिंगल डोम, जब इस्लामिक आर्किटेक्चर इस्लामिक एलिमेंट्स के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था डबल डोम क्या है सिंगल डोम क्या है। तो उसमें एक पॉइंट आता है कि जो सिंगल डोम है वो जनरली मॉस्क या मस्जिद में देखने को मिलता है जो सिंगल डोम है, जो डबल डोम है वो टॉम्स में देखने को मिलता है, क्योंकि हिमायू टॉम्स एक हिमायू की टॉम्ब है, तो यहाँ पे डबल डोम देखने को मिलता है। डबल डोम क्या होता है कि पूरे ही ये जो डोम का स्ट्रक्चर है इसको डबल लेयर्स में बनाया जाता है। आउटर लेयर जो हमें दिखती है बाहर से, और एक इनर लेयर होती है जो नीचे नीचे की साइड में सीलिंग वर्क होता है। तो इन दोनों लेयर के बीच में कुछ गैप होता है, उस गैप को सॉलिडली फिल करते हैं, मतलब सॉलिड गैप होता है, ये गैप तो नहीं कहेंगे अभी, सॉलिड है तो सॉलिडली फिल करते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे दो डोम बनाया जाता है, बाद में उसको फिल कर दिया जाता है। तो ये दो दो डोम का ही फीचर ये होता है कि नीचे आपको एक सेमी सर्कुलर या सेमी हेमिस्फेरिकल एरिया देखने को मिलता है, लेकिन एक्सटर्नली जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑनियन डोम टाइप का। तो ये डबल डोम है। तो डबल डोम का यही फीचर है कि जो डबल डोम है वो टॉम्स में देखने को मिलता है, और सिंगल डोम है वो मॉस्क में देखने को मिलता है। जनरली जो मॉस्क मस्जिद है वहां पे देखने को मिलेगा सिंगल डोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगरा फोर्ट के बारे में। आगरा फोर्ट आगरा में है और ये मुगल की कैपिटल थी। जब तक शाहजहां था 1638 तक, ये मुगल डायनेस्टी में सभी रूलर्स की यहाँ पे कैपिटल रही थी आगरा में, आगरा फोर्ट। ये आगरा फोर्ट का स्टार्टिंग का जो बहुत स्टार्टिंग का कंस्ट्रक्शन हुमायूं ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट करवा के स्टार्ट किया था अकबर ने। तो ये अकबर के टाइम में पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, तो फर्स्ट टाइम जो यूज़ था अकबर ने किया था। तो ये फोर्ट है, ये सेमी सर्कुलर फोर्ट है, पीछे की तरफ ये यमुना रिवर है, और ये सामने यानी कि वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एक दिल्ली गेट है। दिल्ली गेट जो कि नॉर्मल कॉमन पीपल्स के लिए एंट्री के लिए गेट था, और इस साइड में ये अमर सिंह गेट है, यानी इसे अकबर दरवाज़ा भी कहते हैं, जो कि रॉयल एंट्री के लिए गेट था, वो इस तरफ से था। कुछ इस टाइप से इसका प्लान है। इसमें बहुत सारी छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको वेरीफाइड किया है। नेक्स्ट ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट की जो मेन एक्सटर्नल कंपाउंड वॉल है वो करीब 70 फीट हाइट है, हाइट में है ये एक्सटर्नल वॉल आगरा फोर्ट की, और वॉल के साथ ही एक मोट है। मोट क्या, ये साइड में एक गड्ढा है, इसको गहरा गड्ढा खोद दिया करते थे चारों तरफ फोर्ट के, ताकि कोई भी अटैक ना कर सके या फिर कोई भी दीवार को चढ़ ना सके। तो ये इस टाइप का एक मोट को खोदते हैं। तो मोट 12 मीटर डीप था, यानी कि 12 मीटर गहरा गड्ढा था, उसमें पानी भरते हैं, और कहा जाता है उसमें मगरमच्छ वगैरह भी डाल दिया करते थे, ताकि लोग उसको तैर कर भी ना क्रॉस कर सकें। तो फोर्ट में 4 गेटवेज प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से कि 2 गेटवेज ज़्यादा विजिबल हैं, बड़े गेटवेज हैं दो, एक नॉर्मल पीपल के लिए और एक रॉयल एंट्रीज के लिए। पूरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्टेड है, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे दीवाने आम की। दीवाने आम
इज़ फॉर कॉमन पीपल, जहाँ पे कॉमन पीपल्स की सुनवाई होती थी, हियरिंग होती थी, लोग अपनी कंप्लेन लेके किंग्स के पास आया करते थे, या फिर कोई भी ऐसा कल्चरल इवेंट या फेस्टिवल जो कि किंग को सेलिब्रेट करना है आम लोगों के साथ, जो कॉमन पीपल्स हैं, तो वो यहीं पे सेलिब्रेट होता था दीवाने आम में। दीवाने आम एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका साइज़ है 61 बाई 20 मीटर, इस साइज़ का हॉल है, और ये एक प्लेटफॉर्म पर, ये एक प्लेटफॉर्म है 1.2 मीटर का, इस पे राइज करता है ये प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को क्लाइम करने के लिए तीनों डायरेक्शन में स्टेयर्स केस हैं, और ये तीन साइड से ओपन है, और जो इसका ईस्टर्न साइड है यानी कि ये वाला साइड, यहाँ पर किंग का थ्रोन था, यानी कि ये महाराजा का, इस तरफ में महाराजा का थ्रोन है, वो वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में है, और वेस्ट साइड में फेसिंग है, तो ये वेस्ट साइड, ये वाली साइड वेस्ट साइड ओपनिंग है, बाकी की ये साउथ साउदर्न साइड हो गई और वो नॉर्दर्न साइड हो गई। ये कुछ इस टाइप से हॉल कंस्ट्रक्टेड है। हॉल में बहुत सारे पिलर्स हैं, आर्चीज हैं, तो ये मल्टीफॉयल आर्चीज पर ही पूरा हॉल बेस्ड है, और ऊपर इसकी कवर्ड एक सीलिंग रूफ है। व्हाइट मार्बल का इसमें कंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, साथ ही साथ बेस में इसका रेड सैंडस्टोन का भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है मटेरियल में। तो ओवरऑल जो है इसमें 48 लार्ज पिलर्स हैं, 40 लॉन्ग पिलर्स हैं, तो इस टाइप से है, ओपन सपोर्टेड फ्लैट रूफ, ये इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है दीवाने आम का, आगरा फोर्ट का दीवाने आम है ये, कंफ्यूजन नहीं है, एक फतेहपुर सीकरी में भी है, अभी जो बात कर रहे हैं वो आगरा फोर्ट के दीवाने आम की बात हो रही है। नेक्स्ट है दीवाने खास। दीवाने खास यानी खास पीपल्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर मिनिस्टर्स हैं, या फैमिली यूनियंस होती हैं, तो वो यहाँ पर दीवाने खास में होते हैं, यहाँ पे कॉमन पीपल्स अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ फोर्ट के जो महल के लोग हैं वही यहाँ पर आके मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं, तो ये उस टाइप का दूसरा दीवाने खास यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है। दीवाने खास दो रेक्टेंगुलर हॉल से कंस्ट्रक्टेड, ये एक आउटर रेक्टेंगुलर हॉल है, इसके बाद अंदर एक इनर है, जिसकी ये वाला जो होल देखने को मिल रहा है ये आउटर रेक्टेंगुलर होल है, और इसके अंदर आर्चिस के अंदर एक इनर रेक्टेंगुलर होल है, तो दोनों की आउटर रेक्टेंगुलर होल की करीब 30 बाय 10 मीटर की डायमेंशन है, और इनर की है 12 बाय 8 अप्रोक्स है, ये एक्यूरेट देखनी है तो यहाँ पे लिखी हुई एक्यूरेट डायमेंशन, ये इस टाइप की डायमेंशन की बना है। ये भी कवर्ड फ्लैट सीलिंग रूफ में है, जबकि मल्टीफॉयल आर्चिस का यूज़ किया गया है, और पॉइंटेड आर्च का भी अंदर यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल का यूज़ है फ्लोरिंग में, रेड सैंडस्टोन का यूज़ है, पर्शियन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं वॉल के अंदर, और क्योंकि दीवाने आम है, सॉरी दीवाने खास है, तो इसमें एक स्पेशल स्पेशलिटी हमें इसमें देखने को मिलती है, जो सेमी प्रीशियस प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स दीवार में, यहाँ की वॉल्स में पहले इंस्क्राइब किया करते थे प्रीशियस, और ये पूरी पूरा जो एम्बियंस है उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट हो जाता था उन सब स्टोन से, तो पहले के टाइम की चीज़ें, अब तो नहीं है वहाँ पे स्टोन, सारे स्टोन उखाड़ लिए गए, पता नहीं किसने उखाड़ लिए, तो इस टाइप का वहाँ का आर्किटेक्चर है, उस टाइम काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें हुआ करती थी, अब तो सब बेकार हो गई हैं। नेक्स्ट हम मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज ये एक बुर्ज है, बुर्ज यानी कि टावर, इसकी कहाँ लोकेशन, लोकेशन मैं मैप में दिखाता हूँ, ये प्लान है आगरा फोर्ट का, तो ये मुसम्मन बुर्ज है, ये जितने भी सेमी ये सर्कुलर बेस्टियन बोलते हैं ना, जो बेस्टियन होते हैं, ये जो ये सर्कुलर देखने को मिलेंगे ये बेस्टियन होते हैं, आउटर फोर्टिफाइड वॉल्स में देखने को मिलेंगे, जो फोर्ट की आउटर वॉल होती हैं ये बेस्टियन वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड होते हैं, वॉल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो पूरे फोर्ट में जो सबसे लार्जेस्ट ये बेस्टियन है ये वाला, इसी बेस्टियन पे मुसम्मन बुर्ज का कंस्ट्रक्शन है। मुसम्मन बुर्ज एक ऑक्टागोनल प्लान में है, ये पूरा जो हॉल है ये ऑक्टागोनल, पूरा जो बुर्ज है ऑक्टागोनल प्लान में है, आउटर की 5 साइड ये ऑक्टागोनल प्लान में है, उसके पीछे की तरफ यानी कि इसके बैक साइड में यमुना रिवर फ्लो करती है, तो ये एक तरह से वॉच टावर कह सकते हो आप, व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और जो रॉयल फैमिली आके पीछे रिवर की जो सुंदरता है उसको यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक तरह से ये बुर्ज वॉच टावर है, तो इसके पीछे की साइड में जो 5 साइड हैं, ये जो 5 साइड मिलेंगी
ये एक्सटर्नली ओपन है, बाकी की जो अदर थ्री साइड है वो यहाँ पे ओपन हॉल में ओपन करती हैं। तो ये इस टाइप से कंस्ट्रक्टेड है, ये पूरा प्योरली अभी वाइट मार्बल का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको ये रेड सैंडस्टोन से बना था। और अकबर इसे झरोखा दर्शन, झरोखा यहाँ पे क्योंकि जालीस का यूज़ किया है, तो जालीस में होते हैं झरोखे। झरोखे से पीछे बैक साइड में रिवर है, या फिर पीछे ही अब बाद में शाहजहां के टाइम में यहाँ पे ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन अकबर के टाइम में पीछे यमुना रिवर का व्यू देखने के लिए यहाँ पे झरोखा दर्शन के लिए इसे यूज़ किया करते थे। बीच में यानी कि अंदर की तरफ यहाँ पे एक शैलो पोंड है, पोंड कुंड, तो एक शैलो कुंड है जिसमें पानी भर दिया करते थे। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कैलीग्राफी, कैलीग्राफीज तो देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जो डिजाइंस हैं फ्लोरल पैटर्न से बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो स्टार्टिंग में तो ये रेड सैंडस्टोन का बना था। तो बेसिकली इसका कुछ रेजिडेंशियल पर्पज़ नहीं है, ये सिर्फ वॉच टावर के लिए यूज़ किया गया था। और इसमें मेन फीचर्स इसका नोटेबल ये है कि वाइट मार्बल का यूज़ किया है, लेकिन अब है, लेकिन स्टार्टिंग में जब कंस्ट्रक्टेड हुआ था इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था। तो रेड सैंडस्टोन का इसमें मटेरियल यूज़ हो गया, आरसीज यूज़ हो गई, जाली यूज़ हो गई, कुंड यूज़ हो गया, और ब्यूटीफुल फ्लोरल पैटर्न और वॉल्स पर। तो ये इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स है मुसम्मन बुर्ज का। इसको खास बुर्ज भी कहते हैं, शाही बुर्ज भी कहते हैं, तो इसके काफ़ी मल्टीपल नेम हैं, लेकिन अभी मुसम्मन बुर्ज के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है जहांगीरी महल। जहांगीर अकबर का जो बेटा यानी कि जहांगीर, जिसको सलीम कहते हैं, और सलीम क्यों कहते हैं उसकी एक रीज़न है, आगे जाके भी डिस्कस करते हैं सलीम के बारे में। तो ये सलीम के लिए महल है जहांगीर महल, ये थोड़ा सा डिफरेंट महल है और अदर मुगल बिल्डिंग्स में। सारी मुगल बिल्डिंग्स रेड सैंडस्टोन से बनी है, लेकिन ये एक ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ब्रिक से कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बाद में ब्रिक को कवर करने के लिए ऊपर इसमें रेड सैंडस्टोन के पैनल्स को बाद में अटैच कर दिया गया, लेकिन स्टार्टिंग इसका मतलब बेस कंस्ट्रक्शन ब्रिक से ही है इसका। सेंट्रली एक कोर्टयार्ड है, ओपन कोर्टयार्ड है, और इसके अंदर स्क्वायर पिलर हैं। कोर्टयार्ड में सर्कुलर पिलर देखने को मिलेंगे जिसमें काफ़ी डिटेल इंस्क्रिप्शन हैं, आर्चीज हैं, रेड सैंडस्टोन है, आउटर में छतरीज हैं, और यहाँ पे बालकनीज को सपोर्ट करने के लिए कॉर्बेल्स हैं। नेक्स्ट मोती मस्जिद। मोती मस्जिद भी आगरा फोर्ट में है, स्टार्टिंग में ही है, मैं प्लान में फिर बताता हूँ मोती मस्जिद कहाँ पर है। ये मोती मस्जिद है, यहाँ से एंट्रेंस के टाइम ही सबसे पहले मोती मस्जिद ही पड़ता है। तो मोती मस्जिद अकबर के टाइम पीरियड में नहीं बना था, इस बाद में अकबर के बाद शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था मोती मस्जिद, लेकिन क्योंकि आगरा फोर्ट में है और अभी उसकी बात हो रही है तो डिस्कस कर देते हैं। मोती मस्जिद प्योरली व्हाइट मार्बल का कंस्ट्रक्शन है, और ये समर समर के टाइम पे इनको रेस्ट प्लेस के लिए इन्होंने मोती मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया शाहजहां ने। और मोती मस्जिद एक ग्लास मोजैक वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा कांच के ग्लास वर्क है, जिस तब जब थोड़ी सी डिम लाइट होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस होते हैं ओवर द 1000 टाइम, यानी कि 1000 टाइम से ज़्यादा भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब लाइट ग्लास से रिफ्लेक्ट होती है तो ओवरऑल जो मस्जिद का इंटीरियर है, जो इंटीरियर एम्बियंस है, वो काफ़ी ब्यूटीफुली निकल के आता है, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। उस टाइम पे जो ग्लास थे वो सीरिया के हलेब सिटी से इम्पोर्ट किया गया था, अब वो उस हलेब सिटी का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, नया नाम क्या है वो आप सर्च कर लेना। तो उस टाइम पे इसको हलेब सिटी था, तो हलेब सिटी से शाहजहां ने वहाँ के ग्लास को इम्पोर्ट करवा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया था। ऊपर हमें चारों तरफ छतरी देखने को मिलती है, वाइट मार्बल का यूज़ है, आर्चिस तो देखने को मिलती हैं, यहाँ पे पर्शियन इंस्क्रिप्शंस हैं, डेकोरेटिव सीलिंग वॉल्स हैं, ये सारे आर्किटेक्चर फीचर्स हमें मोती मस्जिद में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो एक मेन इंपॉर्टेंट सिटी है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी था वो अकबर के टाइम में, अकबर ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था ये। बेसिकली फतेहपुर सीकरी का मेन प्लान है, फतेहपुर सीकरी में जो फोर्ट है उसका मेन प्लान है, उसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, पंचमहल, अनूप तालाब, जोधाबाई पैलेस, दीवाने खास, दीवाने आम, तो उसको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इसका पूरा जो मेन कंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन में। रेड सैंडस्टोन का ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और ये 37 किलोमीटर है आगरा से, तो आगरा से थोड़ा सा साइड में ही है। और इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ऑब्वियस बात है। इसको कंस्ट्रक्शन का मेन रीज़न ये था कि जब इनके सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जब आगरा आए थे, तो उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरा एक महल कंस्ट्रक्शन था। तो इस वजह से सलीम शेख चिश्ती के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया गया था फतेहपुर सीकरी, क्योंकि जो अकबर का संत जहांगीर है वो सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था उस टाइम, जहाँ पे वो कुटिया में रहते थे। तो इस वजह से जो जहांगीर है उसका निकनेम सलीम पड़ा। तो ये सलीम का निकनेम के पीछे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। तो क्योंकि जो सलीम की माँ थी, यानी सलीम की जो मदर है, वो एक हिंदू है जोधा भाई, और सलीम के जो फादर हैं अकबर, वो एक मुस्लिम है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक हिंदू एलिमेंट और मुस्लिम एलिमेंट का मर्जर इस आर्किटेक्चर में। तो स्टार्टिंग में जब फोर्ट में एंटर करते हैं, तो सबसे पहला जो पड़ता है वो है दीवाने आम। दीवाने आम, अब ये फतेहपुर सीकरी के दीवाने आम की बात हो रही है। तो दीवाने आम एक रेक्टेंगुलर हॉल है, यहाँ पे जो मीटिंग्स है, कल्चरल इवेंट्स है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाते थे। जो जनरल पब्लिक की हियरिंग्स है वो भी यहाँ पर हुआ करती थी। तो एक लार्ज रेक्टेंगुलर हॉल है जो कि कोर्ट यार्ड से घिरा घिरा हुआ है। ये साइड में पिलर्ड हॉल है यहाँ पे, और वेस्टर्न साइड में यहाँ पे अकबर के बैठने की जगह थी। यहाँ पे अकबर का यानी कि तख्त जो होता है, थ्रोन, वो यहाँ पर बैठने की जगह है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पे जो जालीज का यूज़ किया था, तो जो एक बालकनीज में सेग्रीगेशन है, इसके अंदर जो वुमेन्स हैं उसको डायरेक्टली कोर्ट में एंट्रेंस या कोर्ट में अटेंड करने की परमिशन नहीं थी, तो वो बालकनीज में रहते थे और बालकनीज को कवर किया करते थे जालीज के साथ। तो ये वेस्टर्न साइड में देखने को मिलती हैं ये जालीज। नेक्स्ट दीवाने खास। दीवाने खास फिर फतेहपुर सीकरी के अंदर एक दीवाने खास है। दीवाने खास इज़ फॉर जो पीपल, किंग के जो मिनिस्टर्स हैं, जब किंग अपने मिनिस्टर्स के साथ जब मीटिंग किया करते थे, तब वो दीवाने खास का यूज़ किया करते थे। खास फॉर नॉट नॉर्मल, जो खास लोग हुआ करते थे उनके मीटिंग्स के लिए यहाँ पे ये हॉल हुआ करते थे। दीवाने खास का एक्सटर्नल कुछ ऐसा है, ये स्क्वायर प्लान पे बेस है, रेड सैंडस्टोन का इसमें यूज़ किया गया है, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है और चारों ही डायरेक्शन में छतरीज का यूज़ किया है। ये छतरीज है, ये चारों डायरेक्शन में यूज़ किया गया है। एक्सटर्नल से ज़्यादा इसका इंटरेस्टिंग है इंटीरियर। इंटीरियर में एक सेंट्रल एक पिलर है, हाईली डेकोरेटिव पिलर है, और ये पिलर को डायगनली कनेक्ट किया है सारे 4 कॉर्नर पिलर से। ये डायगनली कनेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ से 4 डायगनल पिलर्स में। जो सेंटर पिलर है यहाँ पे सिटिंग हुआ करती थी किंग्स की, और जो साइड में कॉर्नर पिलर्स है वहाँ पे सिटिंग हुआ करती थी मिनिस्टर की। जब किंग मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया करता था, तो किंग यहाँ पे सेंटर में बैठ के, मिनिस्टर चारों कोने में बैठ के यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, डिफरेंट कंसेप्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे दीवाने खास में। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है दीवाने खास इसी वजह से। नेक्स्ट है जोधा भाई पैलेस। जोधा भाई किंग अकबर की वन ऑफ दी फेवरेट वाइफ्स थी। वो एक हिंदू लेडी है। तो यहाँ पे जो जोधा भाई पैलेस है, इसमें थोड़ा सा एक हिंदू, हमें हिंदू आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। तो जोधा भाई पैलेस एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ये रेक्टेंगुलर हॉल है। इसका एक्सटीरियर, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई वॉल्स थी, जो काफ़ी सिक्योर एक फोर्ट बनाया गया है। जो पैलेस है बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट वाइफ्स का है अकबर की, तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड रहती थी, इसीलिए हाई वॉल्स का है। एक सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल एंट्रेंस है, तो ये सिंगल मेन एंट्रेंस है। इसके बाद सेंट्रली ये ओपन है, ओपन कोर्ट यार्ड है। ओपन कोर्ट यार्ड में एक और नोटेबल चीज़ है, यहाँ पर तुलसी का प्लांट है। जब अभी तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे ये यूज थे, जोधा भाई यहाँ पे रहा करती थी, तब वहाँ पे तुलसी का प्लांट है। और किसी इस्लामिक स्ट्रक्चर में तुलसी का प्लांट के लिए एक स्पेशल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जोधा भाई पैलेस में सेंट्रल कोर्ट यार्ड में तुलसी का प्लांट के लिए जगह है, जिससे प्रूव होता है कि यहाँ पे, हाँ, ये एक हिंदू हिंदू लेडी यहाँ पे रहा करती थी कोई।
तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्किटेक्चरल है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मोटिव्स को यूज किया गया है, जैसे कि हंस हंस को यूज किया गया है, पैरेट, एलिफेंट, लोटस, स्वास्तिक मार्क, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर यूज की गई हैं। और यहाँ पे खपरेल्स, ये जो ये खपरेल्स है, ये खपरेल्स का भी यूज किया गया। ओवरऑल यहाँ पे मटेरियल है वो रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जो कि हमें लगभग सभी 98% मुगल बिल्डिंग्स में हमें रेड सैंडस्टोन का यूज देखने को मिलता है। साइड में ये ऊपर छतरीज प्रोवाइड की गई हैं, तो ये इंटीरियर इसका काफी डिफरेंट है और इस्लामिक बिल्डिंग से, क्योंकि एक यहाँ पे एक हिंदू लेडी रहा करती थी, क्योंकि उस वजह से उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन किया था। और ओवरऑल देखा जाता है कि जो अदर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स हैं वो वेस्टर्न साइड में ज्यादा एम्फेसाइज किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न साइड में ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है इस पूरे मोती महल को। यहीं पे ईस्टर्न साइड में हमें एक टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि ईस्टर्न साइड में है महल में, वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की पूजा हुआ करती थी, जो जोधा भाई कृष्ण कृष्ण भगवान को पूजती थी, उनको मानती थी, तो वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल भी इसी महल के अंदर है ईस्टर्न साइड में। नेक्स्ट ये है अनुप तालाब। अनुप तालाब में कुछ ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन ये एक स्क्वायर प्लान पे तालाब है, जो कि स्टेप्ड वेल है, ये स्टेप्ड वेल है, तालाब है ये, और यहाँ पे सेंट्रली सिटिंग प्लेस है। शाम के टाइम, सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम यहाँ पे रॉयल जो लोग हैं, किंग अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड किया करते थे। और साइड में पानी है। पानी के साथ एक की पॉइंट ये है कि अगर किसी भी बिल्डिंग को ब्यूटीफुल बनाना है तो आप साइड में उसको पानी दे दो, वाटर बॉडीज प्रोवाइड कर दो। बहुत सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना है तो वहाँ पर वाटर बॉडी प्रोवाइड कर दो। आज के टाइम में जो बड़े बड़े होटल्स हैं या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे फाउंटेन्स का यूज़ किया करते हैं, तो फाउंटेन्स इज बेसिकली एक वाटर बॉडी है, जो कि पूरी बिल्डिंग्स को एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली क्रिएट कर देती हैं। करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे पानी डाल दो और ऑटोमेटिकली बिल्डिंग बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। तो यही यहाँ पे चीज़ यूज़ किया गया है। अनुप तालाब है पूरे मार्बल स्ट्रक्चर के बीच में, रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर के बीच में एक तालाब है, वाटर बॉडी है, तो पूरा महल जो पूरा फोर्ट है वो बहुत सुंदर हो गया इस वजह से। बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे पानी का यूज़ दे दो। तो अनुप तालाब में कुछ नहीं है, बेसिकली ये स्क्वायर प्लान में ही या सिटिंग एरिया है, सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं राजा। काम क्या है, टाइम स्पेंड करना काम है उनका, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया करते थे। इसके बाद है पंचमहल। पंचमहल थोड़ा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। पंचमहल इसका नाम देखते ही पता चलता है पंचमहल क्यों, क्योंकि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। ऊपर इसमें एक छतरी है, सिंगल छतरी है, जो कि 4 पिलर पर रेस्टेड है, और ये पिलर पूरा स्ट्रक्चर है, पिलर होल है, इसके नीचे रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। तो इसमें ओवरऑल 84 कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनली इन कॉलम्स के बीच में जालीस का प्रोवाइड था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, और ये फतेहपुर सीकरी का एक वॉच टावर था, जैसे आगरा फोर्ट में जो वॉच टावर था मुसम्मन बुर्ज, सेम उसको वैसे ही यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं पंचमहल के साथ। तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी का एक तरह से वाइट वॉच टावर था। इसके सामने, पंचमहल के सामने एक पूल है, जो वही अनुप तालाब है, ये जो अनुप तालाब है इसी पंचमहल के सामने फ्रंट की तरफ अनुप तालाब है। तो ये इस टाइप से है वॉच टावर। रेड सैंडस्टोन का पूरा यूज किया गया है इसमें, आर्चीज का प्रोवाइड नहीं है, ऊपर एक छतरी का प्रोविजन है। यहाँ पे पर्टिकुलर देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर में 84 कॉलम है, फर्स्ट फ्लोर में 56 कॉलम है, सेकेंड और थर्ड फ्लोर में 20 है, फोर्थ फ्लोर में 12 है, और फिफ्थ फ्लोर में 4 कॉलम है, तो ओवरऑल 176 कॉलम का पूरे पूरे स्ट्रक्चर में 176 कॉलम का यूज किया गया है। काफी कॉलम है, पूरा पिलर्ड होल है ये, तो 84 बेस में पिलर का यूज किया गया। इसके बाद मुगल गार्डन्स। मुगल गार्डन्स मुगल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हालांकि जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो मुगल गार्डन के अराउंड है, मुगल्स ने जितने भी अपने स्ट्रक्चर्स बनाए साइड में उन्होंने मुगल गार्डन दिया। मुगल गार्डन के बारे में भी अभी बात कर ही चुके हैं, सेम वही चीज़ है, स्क्वायर गार्डन्स हुआ करते हैं, हर साइड को उनके सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट करके एक पाथवेज बना दिया करते हैं,
एक पूरे गार्डन्स को चार छोटे छोटे गार्डन्स में डिवाइड करके चार बाग कंसेप्ट में यूज किया करते थे, और फर्दर इसको फिर डिवाइड किया करते थे। ये कुछ इस टाइप से मुगल गार्डन हुआ करता था। इसके बीच में सेंट्रली यहाँ पे जो भी कोई मेन स्ट्रक्चर है, जो भी कोई बिल्डिंग है, उसको बीच सेंटर में प्लेस किया करते थे। कुछ मुगल गार्डन्स में यहाँ पे, जैसे कि ये मुगल गार्डन्स में पाथवेज है, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज भी फ्लो किया करती थी। यहाँ पे पानी फ्लो किया करता था, जो पानी पानी के लिए छोटी छोटी नालियाँ यहाँ पे ड्रेन्स प्रोवाइड किया करते थे, फ्रेश वाटर जो कि रिवर से था, तो वो भी इसका यहाँ पर यूज होता है कुछ मुगल गार्डन्स में। मुगल गार्डन्स है तो काफी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर प्लांट जो कि फूल वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, ग्रासेस देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सारे एक डिफरेंट ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता था यहाँ पर मुगल गार्डन्स में। अब बात करेंगे शाहजहाँ की। अकबर के बाद शाहजहाँ ने भी बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया। सबसे पहले ताजमहल। अब ताजमहल को कौन नहीं जानता, सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है, वन ऑफ दी सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड में ये रजिस्टर्ड है। प्योरली वाइट मार्बल का बना हुआ कंस्ट्रक्शन है ये ताजमहल। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर राइज करता है, अराउंड 22 फीट का भी ये, इसका भी 22 या 22.5 फीट का यहाँ पर ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को राइज करने के लिए साइड में स्टेयर केस प्रोवाइड की गई है चारों तरफ। ये मतलब चारों तरफ हर चार कॉर्नर्स पे एक यहाँ पे मीनार्स का यूज़ किया गया है, मीनार्स प्रोवाइड करी गई हैं। मीनार्स थोड़ी सी टिल्टेड है, ये टिल्टेड है अवे द टॉम, ये एक टॉम है, ये चारों तरफ ये टिल्टेड है, टॉम्स के तरफ टिल्टेड नहीं है, टॉम्स के अपोजिट डायरेक्शन में टिल्टेड है। साइड में वाटर बॉडी दिया गया है। ऑक्टागोनल प्लान पर यह ताजमहल बेस्ड है। सेंट्रली डोम है, ओनियन डोम का कंस्ट्रक्शन है। ओनियन डोम को बैलेंस करने के लिए चार यहाँ पे छोटे छोटे छतरीज प्रोवाइड करी गई हैं। ओवरऑल ये मुगल गार्डन के सेंटर में है। इसका प्लान देखते हैं सबसे पहले, तो ये पूरे ताजमहल का साइट प्लान है। ताजमहल का साइट प्लान में यहाँ पे ये मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से सामने ये ताजमहल है, ताजमहल मेन बिल्डिंग है, इसी के साइड में ये इनके ईस्टर्न साइड में मॉस्क है, ईस्टर्न साइड में मॉस्क है, सॉरी ये वेस्टर्न साइड है, तो ये वेस्टर्न साइड में इनका मॉस्क है और ये ईस्टर्न साइड में गेस्ट हाउस है। ये दोनों ही कंस्ट्रक्शन रेड सैंडस्टोन से करे हैं, लेकिन ये ताजमहल जो है ये वाइट मार्बल का यूज़ है। सामने इसके पीछे देखो रिवर, यमुना रिवर तो है ही, और उसके सामने चार बाग कंसेप्ट पे एक मुगल गार्डन है, जो कि वाटर बॉडी यहाँ पे फ्लो करती है, यमुना रिवर की वाटर बॉडी फ्लो करती है। ये मेन एंट्रेंस है पूरे एंट्रेंस, पूरे इस कंपाउंड का एंटर करने के लिए यहाँ पे मेन गेटवे है। गेटवे के बाद यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, जो किंग के सर्वेंट्स हैं उनके लिए क्वार्टर्स हैं, और साइड में इसी के जस्ट सामने यहाँ पे ताजगंज, यहाँ पे एक छोटा सा सिटी प्लान था, नहीं था, बसाया गया था शाहजहाँ द्वारा, तो ये ताजगंज यहाँ पे सिटी है। ताजमहल जो कि ऑक्टागोनल प्लान पे, ऑक्टागोनल प्लान पे क्या है कि जो मेन जो रूम है वो ऑक्टागोनल मेन रूम है, जो सेंट ग्राउंड फ्लोर पर सिचुएटेड है, बाकी के ये सेंट्रल चैम्बर है। इसके बाद जो चार इसमें देखने को मिलेंगे स्क्वायर चैम्बर, ये भी ग्राउंड फ्लोर पर सिचुएटेड है, स्क्वायर चैम्बर। बाद में ये चार और ऑक्टागोनल चैम्बर हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पर सिचुएटेड है। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये चार स्क्वायर वाले चैम्बर्स और ये ऑक्टागोनल जो मेन चैम्बर्स हैं, जहाँ पे मुमताज की ग्रेव है, इसी में है ताजमहल में। ताजमहल एक टॉम है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे इसका सेक्शन में बात करते हैं, तो जो मेन जो प्लेटफॉर्म है वो 94 स्क्वायर मीटर का एरिया करता है, और ये इसकी हाइट है ओवर द 60 मीटर। तो ये 60 मीटर की हाइट पर ये पूरा ताजमहल कंस्ट्रक्टेड है। ये शाहजहाँ का टॉम्ब भी इसी के नीचे है। तो ये ऊपर की साइड में मुमताज का टॉम्ब है, जो कि इनकी सबसे लव सबसे प्रिय वाइफ थी शाहजहाँ की, तो उसी के याद में पूरा ये ताजमहल कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो उनकी टॉम्ब तो है ही ऊपर, लेकिन शाहजहाँ उस मुमताज की टॉम्ब के नीचे शाहजहाँ की टॉम्ब है। तो ये अंडरग्राउंड यहाँ पे ये जो ये शाहजहाँ की टॉम्ब है वो नीचे है।
इसके बाद ओनियन डोम्स का यूज़ किया गया है, और ये डबल डोम है क्योंकि ये टॉम है, टॉम्स में डबल डोम का यूज़ होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ओनियन डोम डबल डोम का यूज़ किया गया है। साइड में ही यहाँ पे एक लोटस का, लोटस एलिमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक हिंदू एलिमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साइड में चार छतरी हैं बैलेंस करने के लिए, पूरे स्ट्रक्चरली को विजुअल बैलेंस देने के लिए चार छतरीज हैं। कैलीग्राफीज का यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये पूरा वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। आर्चीज हैं, तो ये इस टाइप से कुछ ताजमहल का कंस्ट्रक्शन है। ये हमने प्लान की बात कर ली है, या एक 3D व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पे यह टॉम है, ताजमहल है, टॉम यानी कि मुमताज का टॉम जो कि ताजमहल, यहाँ पे मॉस्क, मॉस्क है रेड सैंडस्टोन का कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है ये भी रेड सैंडस्टोन से कंस्ट्रक्टेड है, ये चार बाग कॉन्सेप्ट है, पे ये मुगल गार्डन बेस्ड है, ये मुगल गार्डन का सेंटर पॉइंट, यहाँ पे पाथवेज, यहाँ पे वाटर बॉडीज के लिए मेन गेटवेज के लिए मेन एंट्रेंस है ये वाला, और साइड में ये फोर्ट कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है, और इसके यहाँ पे ताजगंज, यहाँ पे जो सिटी बसाई गई थी शाहजहाँ द्वारा, वो यहाँ पर है। तो एक कुछ टाइप से ये पूरा ताजमहल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। बात करते हैं हम जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद को भी शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। शाहजहाँ ने जो दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसके जस्ट सामने यहाँ पे जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ओरिजिनली ये एक रॉयल पैलेस के लिए, जो मॉस्क है उनके प्रेयर के लिए मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया था, और जामा मस्जिद जैसे कि पता ही है आपको, इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है ये, उस टाइम भी सबसे बड़ा था और आज भी सबसे बड़ा मस्जिद है इंडिया का। इस जामा मस्जिद में नोटेबल चीज़ जो है कि वो इसमें तीन गेटवेज हैं, और तीन गेटवेज में बहुत सारी स्टेयर केस प्रोवाइडेड है, तो जो नॉर्दर्न गेट, साउदर्न गेट और ईस्टर्न गेट, तो ये वाला जो है नॉर्दर्न गेट है, ये साउदर्न गेट है और ये ईस्टर्न गेट है। तो नॉर्दर्न गेट और साउदर्न गेट जो है नॉर्मल कॉमन पीपल्स के एंट्रेंस के लिए था, और लेकिन जो ईस्टर्न गेट है ये सिर्फ रॉयल एंट्री के लिए था, या तो या किंग है या किंग की फैमिली से रिलेटेड कोई भी जो मेम्बर आ सकता है तो वो यहाँ से एंटर करेगा ईस्टर्न गेट से। ओवरऑल ये पूरा जो मॉस्क है वेस्ट साइड में फेस करता है, यहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी है, जैसे कि मैंने बताया था स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाना है तो बीच में एक वाटर बॉडी प्रोवाइड कर दो, तो यहाँ पर वाटर बॉडीज भी प्रोवाइडेड है, रेड सैंडस्टोन का कंस्ट्रक्शन है, वाइट मार्बल का डोम है, मिनारेट्स, यहाँ पे दो मिनारेट्स यूज़ किया गया है। मिनारेट्स का आपको पता ही है क्या यूज़ होता है, मिनारेट्स का यूज़ इसलिए होता है जब प्रेयर होती है मॉस्क में, बेसिकली मिनारेट्स का ये यूज़ होता है जब प्रेयर होती है, तो क्योंकि मुस्लिम्स में 5 टाइम प्रेयर होती है पर डे, तो हर टाइम प्रेयर के लिए अजान लगती है, तो अजान बेसिकली क्या होता है, कॉलिंग फॉर दी प्रेयर, तो उनको बुलाने के लिए, मेंबर्स को बुलाने के लिए कि हाँ प्रेयर स्टार्ट होने वाली है, आपको आना चाहिए मॉस्क में प्रेयर करने के लिए, तो यहाँ पे मिनारेट्स में चढ़कर, जो मीनारे होती हैं वहाँ पे चढ़कर उनके टॉप पॉइंट में, वहाँ पे लाउड स्पीकर, आज के टाइम में तो लाउड स्पीकर है, नहीं तो पहले के टाइम वहाँ पे हाइट पे चढ़ के वहाँ पर बुलाया जाता था लोगों को, कि इनवाइट किया जाता था कि आओ मस्जिद में प्रेयर करते हैं। तो ये इस टाइप से मिनारेट्स हैं, जो ये पूरा जो मॉस्क है, जो मॉस्क का मेन बिल्डिंग है वो 260 फीट लेंथ में है ये पूरी, और ये 90 फीट इसकी विड्थ है, एक सेंट्रल पॉइंटेड आर्चीज में है, और साइड में एक पिलर्ड होल है इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ चारों छतरी, हमें हर चार कॉर्नर्स पे एक छतरी प्रोवाइड की है यहाँ पे, वो देखने को मिलती है। सेंटर में एक डोम है, वाइट मार्बल का कंस्ट्रक्टेड डोम है, साइड में ही छोटे छोटे दो सपोर्टेड डोम्स और भी हैं, ये यूज किया गया है यहाँ पे। जो स्टेप्स की बात है, जो मेन स्टेप्स है वो ये रहेगा कि जो नॉर्दर्न साइड के स्टेप्स है 39 स्टेप्स हैं, और साउथर्न साइड में जो 33 स्टेप्स हैं, ईस्टर्न के लिए 35 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स याद रखना थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि ये ज़्यादा ही स्टेप्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं जामा मस्जिद के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हर साइड के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये एक बार याद कर लीजिए आप एग्जाम टाइम जाने से पहले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ओवरऑल मुगल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, जो मुगल डायनेस्टीज के टाइम में जो भी स्ट्रक्चर थे वो कैसे डेवलप हुए, इनका क्या आर्किटेक्चरल पर्पस था, क्या इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, उसके बारे में हमने पॉइंट आउट किया। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी, और क्या क्या हमने डिस्कस किया वो थोड़ा पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और जो कुछ डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में
रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सॉल्व कर सकता हूँ डाउट आपके। लेकिन फिर भी कुछ डाउट सॉल्व ना हो तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपका डाउट। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।